विज्ञान विषय कक्षा 6 में हमने विज्ञान विषय के 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। अब पांचवा चैप्टर है अपना पांचवा पाठ पदार्थों का पृथक्करण। क्लास 6 का पांचवा पाठ पदार्थों का पृथक्करण। इससे पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था पदार्थ जो होते हैं उनके समूह कैसे बना सकते, वस्तुओं के समूह कैसे बना सकते हैं। तो पदार्थ के गुणों के आधार पर हम अलग अलग वस्तुओं के समूह, अलग अलग पदार्थों के समूह बना सकते हैं। अब उसी क्रम में पदार्थ के गुणों के आधार पर ही हम वो पदार्थों को पृथकृत कैसे कर सकते हैं, पदार्थों को अलग कैसे कर सकते हैं, पदार्थों को अलग अलग समूह में कैसे रख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं, जैसे चाय से चाय की पत्ती को अलग करना, अनाज के भूसे से अनाज को या अनाज से अनाज के भूसे को अलग करना, दूध से दही को अलग करना, ये सब उदाहरण हम देखते हैं। और ये सारे ही क्रियाकलाप वो कठिन भी है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं कि भी मान लो हमें हमारे पास दो पदार्थ हैं, एक तो एक कटोरी के अंतर्गत है वो एक दो आम पड़े हैं और दो सेब पड़े हैं, और हमें बोला जाए आम और सेब को पृथक करना है भी, तो हम आराम से आम और सेब को पृथक कर सकते हैं, क्योंकि वो कंटेंट बड़ा है, वो पदार्थ क्या है, बड़ा है। आम हमें जाते ही दिखते ही पता चल जाता है कि आम है, इसको अलग रख देते हैं। लेकिन हमें ये कहा जाए कि भी चाय दूध है और वो तैयार है, उससे आपको मक्खन अलग करना है, तो हम क्या हाथ से उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम देख करके नहीं कर सकते। चाय से चाय की पत्तियों को अलग नहीं कर सकते। बहुत सारा अनाज है अपने पास और हम अनाज में से कहें कि भाई इसमें से भूसे को अलग करना है, तो हम नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि पदार्थ या कंटेंट जितना छोटा होगा उसके अवयवों को अलग अलग करना उतना ही कठिन होगा, और पदार्थ के कंटेंट या पदार्थ जितने बड़े होंगे, उनका आकार बड़ा होगा, तो उनके अवयवों को विभक्त करना यानी अलग करना भी उतना ही सरल होगा। पृथक करना क्यों आवश्यक है, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं? देखो, पदार्थों को पृथक इसलिए करते हैं कि पदार्थों में से कुछ अनुपयोगी जो अभी हमारे काम के नहीं है, अनुपयोगी और अनावश्यक या फिर हानिकारक पदार्थ जो विलेय होते हैं उनको हमें अलग करना पड़ता है। तो अनुपयोगी अनावश्यक पदार्थ के अवयवों को उसके मिश्रण से अलग करने की जो प्रक्रिया है वो पृथक्करण कहलाता है। ध्यान दीजिए, पृथक्करण की परिभाषा या पृथक्करण की आवश्यकता भी कह सकते हैं हम। पृथक्करण किसे कहते हैं? पदार्थों में से अनुपयोगी व हानिकारक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ को उनके मिश्रण में से अलग करना पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण कहलाता है अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को उसके मिश्रण में से अलग करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पृथक्करण कहलाती है। और पृथक्करण करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो भी हमारे पास पदार्थ हैं उनमें से हम उपयोगी पदार्थ होने चाहिए, अनुपयोगी पदार्थ और हानिकारक पदार्थ हैं उनको हमें अलग करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो हमारे लिए अनुपयोगी हैं, हानिकारक हैं, इसलिए उनको हम उपयोगी पदार्थों के साथ नहीं रख सकते। जैसे उदाहरण के लिए मान लो अपने पास अनाज और भूसे का मिश्रण है, अब हमें सिर्फ अनाज चाहिए, भूसा हमारे लिए अनुपयोगी है, हमें उसको क्या करना है, उससे क्या करना है, अलग। ऐसे ही जैसे मान लो अपने पास चावल है और चावल में कुछ पत्थर कंकर मिले हुए हैं, तो चावल में से पत्थरों को अलग करना आवश्यक है, हमें यदि चावल का उपयोग करना है तो हमें
हमें ऐसे पत्रों को अलग करना होगा। तो पृथक्करण की प्रक्रिया के द्वारा हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं, जैसे एक क्रियाकलाप के माध्यम से आप क्रियाकलाप पांच में देंगे उसमें दिया है पृथक्करण का प्रक्रम, पृथक्करण के उद्देश्य जिनके लिए हम पृथक्करण करते हैं, क्या उद्देश्य क्यों करते हैं हम पृथक्करण, और पृथक्करण के अवयव का क्या हम क्या करते हैं, जो अवयव हमने विभक्त किए हैं उनका क्या करते हैं। देखिए पहला है एक उदाहरण, चावल में से चावलों से पुत्रों को अलग करना, ये अपना एक पृथक्करण का प्रक्रम है। चावलों में से हम क्या कर रहे हैं, चावलों में से पुत्रों को अलग कर रहे हैं, तो उसके लिए उद्देश्य क्या है, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को अलग करना है, पुत्रों को अलग करना है और चावलों को अलग करना है, ये अपना उद्देश्य है, ये अपना क्या है उद्देश्य है। और अवयवों को क्या करते हैं, जो ठोस कंकर पत्थर अवयव जो हमें अलग प्राप्त हुए हैं उनको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ऐसे ही हम एक अपना दूसरा उदाहरण है, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं, ये पृथक्करण का प्रक्रम है मंथन। तो दूध का क्या करते हैं, हम मंथन करते हैं, और मंथन करने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि मक्खन प्राप्त करने के लिए हम दूध का मंथन करते हैं या दही का मंथन करते हैं, क्या प्राप्त करने के लिए, मक्खन प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो उद्देश्य क्या हुआ कि हमें उपयोगी पदार्थ को प्राप्त करना है और अनुपयोगी अवयव को दूर करना है, अनुपयोगी अवयव को दूर करने करना क्या हो गया उद्देश्य हो गया, क्या हो गया एम हो गया उद्देश्य हो गया। और अवयव को क्या करते हैं, अशुद्धियों को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो ये एक क्रियाकलाप है जिसके माध्यम से, ऐसे ही एक और है कि चाय की पत्तियों को पृथक करना, तो चाय की पत्तियों को पृथक करने का उद्देश्य क्या है, चाय की पत्तियां जो हमारी हानिकारक है उसका उद्देश्य क्या बन जाएगा, हानिकारक पदार्थ को दूर करना, हानिकारक पदार्थ को दूर करना। और अवयव क्या हो गए, दोनों अवयव जो उपयोगी हैं उनको हम अलग अलग कर देते हैं। ये एक पृथक्करण का क्या है प्रक्रम है, और पृथक्करण के प्रक्रम का उद्देश्य है, और पृथक्करण के प्रक्रमों के जो अवयव हमें पदार्थों के मिश्रण में से जो अवयव हमें दो घटक हमें प्राप्त हुए हैं वो है। तो इससे क्रियाकलाप के द्वारा हम आपको ये स्पष्ट कर सकते हैं कि पृथक्करण का एक उद्देश्य होता है और दूसरा क्या होता है, पृथक्करण के अवयवों का हम क्या करते हैं, क्या उपयोग करते हैं, क्या हम उनका अवयवों का क्या उपयोग करते हैं। जैसे चाय की पत्तियों को हम क्या कर लेते हैं, दूर फेंक देते हैं, अनाज से है वो कंकड़ पत्थर को दूर फेंक देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वो क्या करते हैं, पृथक्करण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। ये पृथक्करण का एक क्या है प्रक्रम है जिसको इस क्रियाकलाप के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि पृथक्करण क्यों जरूरी है और पृथक्करण कैसे होता है। अब देखो ये पृथक्करण की जो प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रम के अंतर्गत हम साधारणतः कुछ पृथक्करण की विधियों को काम में लेते हैं, पृथक्करण की विधियों को काम में लेते हैं। कुछ पृथक्करण की विधियां हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, हस्तचयन विधि है, थ्रेशिंग विधि है, और निष्पावन विधि है, पाशवन विधि है, ये कुछ क्या है पृथक्करण की विधियां हैं। उनमें से एक दो विधि मैं आपको अभी स्पष्ट कराऊँ। जैसे पहली विधि है जिसका नाम है हस्तचयन विधि, हस्तचयन विधि, पहले विधि का नाम है पृथक्करण की विधियां। नंबर एक हस्तचयन विधि, हस्तचयन
से चून चून करके अलग किया जाता है। इस विधि को हम हस्त चयन विधि कहते हैं। हाथ से हम चून चून करके क्या करते हैं, अशुद्धियों को दूर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अपने पास चावल है और चावल के अंदर कुछ कंकर पत्थर मिले हुए हैं और होते हैं, जैसे दाल होती है तो दाल के अंदर कुछ कंकर पत्थर मिले हुए आ जाते हैं बाजार में। उसको पकाने से पहले, चावल या दाल को पकाने से पहले उसमें से ग्रहणी है वो क्या करती है, अपने जो मम्मी है या जो खाना बनाने वाले हैं वो क्या करते हैं, उनमें से पहले जो कंकर पत्थर है उनको चुन चुन करके अलग करते हैं। तो वो चुन चुन करके अलग करने की जो ये प्रक्रिया है वो हस्त चयन प्रक्रिया होती है। यानी पदार्थों के मिश्रण में से अवयवों को हाथ से चुन करके अलग करने की जो विधि है उस विधि को हम हस्त चयन विधि के नाम से जानते हैं। कौन सी विधि के नाम से जानते हैं, हस्त चयन विधि के नाम से जानते हैं। और इस विधि के उदाहरण हैं मुख्य उदाहरण अनाज से पत्थर को अलग करना, अनाज से कंकर पत्थरों को अलग करना, ये उदाहरण है। ये क्या है, उदाहरण है। तो यह होगी अपनी हस्त चयन विधि। दूसरी विधि है थ्रेशिंग विधि। दूसरी विधि का नाम क्या है, थ्रेशिंग। और ये भी आपने शायद विधि देखी होगी, बड़ी सरल विधि है थ्रेशिंग विधि। अनाज में से जो अशुद्धियां दूर की जाती है, अनाज में से अशुद्धियां दूर की जाती है तो उसके लिए थ्रेशिंग विधि का ही उपयोग किया जाता है। पुराने समय में थ्रेशिंग विधि है वो किस प्रकार से की जाती थी, थ्रेशिंग कहलाती है। आजकल ये प्रक्रिया है वो मशीनों की सहायता से की जाने लगी, इसलिए ऐसी मशीन जिस जो अनाज को उसके भूसे से अलग करता है उस मशीन का नाम थ्रेशिंग मशीन होता है। उस मशीन का नाम वो थ्रेशिंग मशीन है, हम साधारण भाषा में थ्रेशर के नाम से उसको जानते हैं। तो इस प्रकार से ये थ्रेशिंग विधि है जिसको भारी कणों को हल्के कणों से अलग करने के काम भी आती है। भारी जो कण हैं उनको हल्के कणों से क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है थ्रेशिंग विधि की सहायता से। तो मैंने आपको पदार्थों की पृथक्करण के दो विधियां मैंने आपको स्पष्ट कर दी हैं। पहली विधि जिसका नाम है वो हस्तचयन विधि, दूसरी विधि जिसका नाम है थ्रेशिंग विधि। पृथक्करण किसे कहते हैं, पृथक्करण करना क्यों आवश्यक है, ये मैंने चार परिभाषाएं, चार बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण
जिसकी हमने आज शुरुआत की है उसके अंदर मैंने आपको बताया है। क्रियाकलाप नंबर 5.1 जिसमें हमने हवा पदार्थ के प्रतिक्रम की प्रक्रम पढ़े कि चाय से चाय की पत्तियों को दूर करने का प्रक्रम, चावल से हवा कंकर पत्थरों को दूर करने का प्रक्रम और मक्खन से हवा मक्खन को प्राप्त करने के लिए दूध के मंथन का प्रक्रम, ये तीन प्रक्रम किए। तीनों प्रक्रमों के क्या उद्देश्य हैं और जो हम अवयव अलग करते हैं उनका क्या करते हैं, ये भी क्रियाकलाप के माध्यम से हमने देखा। तो मैंने आपको पांचवे पाठ के बारे में ये कुछ बातें बताई, इनको पढ़ करके और समझने का प्रयास करें। इसके अलावा है वो थोड़ा सा नोटबुक में भी इनको लिखें, पाठ को पढ़ें और पाठ को पढ़ करके पीछे के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी हल करने का और प्रयास करें। आपके इनमें से प्रश्न आ जाएंगे, थ्रेशिंग क्या होता है, पृथक्करण किसे कहते हैं, पृथक्करण करना क्यों आवश्यक है, पृथक्करण की है वो विधियों के नाम लिखिए, हस्तचयन विधि क्या होती है, ये प्रश्न है वो आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।